गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। और आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है छत पर से। और दीपिका जी देखिए क्या कर रही हैं ये इधर। मैं दीपिका भी को भी लेकर के आई हूँ, छत से कपड़े उठाने आई हूँ। और इससे पिछले वाले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे इतने सारे मैं कपड़े धोई थी, तो वही सारे कपड़े उठाने आई हूँ। क्योंकि तकिया का जो अंदर का जो कवर होता है, अंदर बाहर दोनों का मैं कवर धुल चुकी हूँ। और बगैर तकिए का मेरे यहाँ किसी को नींद नहीं आएगा, मुझे खुद ही नहीं आएगा, तो मैं और किसी के बारे में क्या बोलूँगी। तो वही सारा कपड़ा ले जाऊँगी और एक तरफ किचन में खाना भी बनाते रहूँगी और एक तरफ ये किचन में रुई वगैरह भर करके और सिलाई करना ये भी काम कर दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा बगैर स्किप किए हुए। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिए, थोड़ा सा क्लिक करके मत छोड़ा कीजिए, इससे चैनल पे ज़्यादा असर पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिए। Set me apart. All I feel was bliss, but you were never there. You were never honest. ये देखिए गाइस, इतने सारे रबर बैंड भी धोई थी, ये सूख गया है। तो इसको पता है, इसको ना जो मोटे वाले हैं ये लोग नहीं बांधते हैं इससे, तो मैं हटा करके रख दूंगी अलग, नहीं तो फिर से ये गंदा हो जाएगा। और इधर उधर डेली बाथरूम में, बालकनी में, जहाँ ये लोग नहाते हैं रखा हुआ मिलता है। और कपड़ा ला करके देखिए मैं वहां रखी हूँ। अब जा रही हूँ किचन में, बर्तन धुलूंगी, उसके बाद कपड़े का काम करूंगी। और अभी यहाँ हो गया है संध्या आरती, यानी का शाम के टाइम का दीपक जला दी हूँ मैं। और उसके बाद मैं लग गई हूँ कटहल की सब्जी बनानी है, तो कटहल काटना है तो कमरे में ही लेकर के मैं बैठी हूँ। क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो कमरे में मतलब पंखा कूलर चलता है तो कम गर्मी लगता है ना, इसी वजह से मैं यहीं जो कटिंग का काम होता है यहीं पर कर लेती हूँ गाइस। और कटहल घर पर काटने का सबसे सही तरीका यही होता है कि सरसों का तेल लगा करके हाथ में, और जिस चीज़ से भी आप काट रहे हैं, चाकू या हो या हंसिया हो, जो भी से काट रहे हैं उसमें सरसों का तेल अच्छे से लगा दे, अपने हाथों में लगा दे तो नहीं चिपकेगा। यहाँ पे मैं फटाफट कटहल काट करके और तैयार कर दे रही हूँ, पहले छीलूंगी उसके बाद काट लूंगी। और अभी हो रही है हमारी शाम की कोल्ड ड्रिंक वाली पार्टी। कोल्ड ड्रिंक और नमकीन यहाँ पे चल रहा है। दिव्यांशु को बाल कटवा करके लाए थे तो उसको पता नहीं क्या हो गया था, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। उसको शांत करवाने के लिए कोल्ड ड्रिंक और नमकीन आया। और पतिदेव भी आ गए थे जल्दी, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक आया था। और अभी गर्मी का सीज़न तो चल ही रहा है। और यहाँ पे मैं सब्जी छौंक रही हूँ, सब्जी मैं कुकर में ही बनाऊँगी गाइस, क्योंकि कटहल की सब्जी मुझे मेरे घर में सबको कुकर में ज़्यादा पसंद है। तो सिंपल यहाँ पर सरसों का तेल डाली हूँ कुकर में और जीरा डाल दूँगी और कुछ भी नहीं। और जैसे ही जीरा अच्छे से कलर चेंज होगा, जीरे का मतलब ब्राउन कलर का हो जाएगा, उसके बाद मैं डालूंगी प्याज और कटहल डाल करके अच्छे से फ्राई कर देंगे। और उसके बाद डालेंगे नमक। एकदम सिंपल तरीके से मैं कटहल की सब्जी बना रही हूँ। कुकर की सब्जी खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, आप लोग बताइएगा कैसे बनाते हैं। और मैं एकदम सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। कटहल डालने के बाद नमक डाल दूँगी, फ्राई हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें आलू भी मिक्स करूँगी, क्योंकि इतने कटहल में नहीं होगा, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ सब्ज़ी और चावल, दाल नहीं बना रही हूँ। और प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग भी वीडियो पर पहली बार आ रहे हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और कटहल जैसे ही फ्राई हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी सिंपल से मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची का पाउडर और हल्का सा गरम मसाला। डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद डाल देंगे इसमें पानी, जितना हमें सब्जी में ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो बर्तन की ढेर लगी हुई है आप देख सकते हैं, इसको मुझे क्लीन करके हटाना है, तो मैं फटाफट बर्तन को क्लीन कर ले रही हूँ। I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. Part of me wish that we never met. But you act like. बस अभी बर्तन धुल ली मैं और सब्जी भी बन गया, बस इसका गैस निकल जाए ना तो चावल चढ़ा दूंगी। और अभी मैं जा रही हूँ, तब तक जब तक गैस निकल रहा है तब तक जितने भी तकिए में और रुई में भर लेती हूँ।
खाना बन गया गाइस, और तकिया में रुई भी भरा गया है। 3 तकिए का मैं सिलाई की हूँ और बाकी का वैसे ही रख दी हूँ। अब कल करूंगी काम करने के बाद दोपहर के टाइम पे, क्योंकि आज मेरा सिर में दर्द हो रहा है। पता नहीं क्यों बाल में मेहंदी लगाई थी ना, इसी वजह से बाल में जब भी मेहंदी लगाती हूँ सिर में दर्द होने लगता है। कभी कभी हो जाता है, रेगुलर नहीं होता है। और अभी देखिए मेरा सब्जी भी बन चुका है, ये देखिए आलू और कटहल की सब्जी। इसमें मैं 4 आलू डाली थी और जो चावल भी बन गया। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद फिर किचन क्लीन करूंगी, बर्तन वगैरह धुलने के बाद, और आराम करूंगी। आज ना काम भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसी वजह से थकावट भी हो गया, सिर में दर्द भी हो रहा है। तो चलिए गाइस, आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक आप भी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए। अपना प्यारा प्यारा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस। छोटा सा ही वीडियो बनाती हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है बनाने में, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो बाय, गुड नाइट।